अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व आला आलि मुहम्मद। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होंगे। टू द पॉइंट मैं अगर बात करूं आपसे, तो इस वीडियो के अंदर मैं कोई प्रोडक्ट आपसे सेल नहीं करूंगा। इसके अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे रिलेटेड, आपकी फ्यूचर से रिलेटेड और आपके अंदर एक जो इंसान छुपा हुआ है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। हो सकता है कि इतना खुल के बात मैंने अपने चैनल पर पहले कभी भी ना की हो आपसे रिलेटेड। देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कुछ के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है, आपके साथ कुछ और होगी, मेरे साथ कुछ और है, कि अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं कर पा रहे। देखिए, एक इंसर्जेंसी की कंडीशन, एक क्योस की कंडीशन हमारे मुल्क में अजल से थी और अब तक रहेगी। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, कि ये नहीं सही, पॉलिटिशियंस की गलती, एक्स वाई जेड, कुछ भी हो, बहुत सारे रीजंस हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। पर देखिए, आपके पास दो चॉइसेस हैं, या तो आप इन सारे कंडीशन के बारे में सोचते रहें और ये सोचते रहें कि जी ये चीज़ें हैं, इस वजह से मैं फेल हो रहा हूँ या मैं फेल हो रही हूँ। ठीक है, अब वो फेल और पास की डोमेन आपके ऊपर है। हो सकता है कि आप कारोबार के अंदर फेल हो रहे हो सकता है आप जॉब सिक्योर करने में फेल हो रहे हो। इट डिपेंड अपॉन यू कि आपका एम ऑब्जेक्टिव है क्या। पर मैं सिर्फ और सिर्फ एक आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अगर आपका एम है ना, एम अगर आपका एक एम है कि भाई मैंने ये करना है, अगर कुछ चीज़ें मैं बता रहा हूँ अगर वो मिसिंग है ना, तो आप ये ना सोचें कि आप फेल हो रहे हैं, आपने ट्राई नहीं किया। वो सबसे बड़ी चीज़ है एक जुनून। जुनून क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको बारे में आप लोगों को बताऊं कि किस तरीके से आपने काम करना है, क्योंकि इस डायरेक्शन को देने के लिए मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में खास तौर पे इस तरीके का कोई काम कर रहा है जिस तरीके के मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ। देखें, अगर पहली बात यह कि अगर आपका जो एम है अगर वो आपको डरा नहीं देता ना, कि यार जब आप ये सोचो कि यार ये मैंने अचीव करना है, और आप खुद दो मिनट या एक सेकंड के लिए सोचने लग जाओ कि यार वाकई में क्या मुझे ये अचीव करना है, तो वो एम नहीं है, वो मजाक है। तो एम इतना बड़ा रखें कि जिससे आपको खुद डर लगने लग जाए। दूसरी चीज ये कि जो एक 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 बड़ा सेंटेंस है, एक एक बड़ा खतरनाक सा सेंटेंस है, यार ये अल्लाह की मर्जी थी इस वजह से ये ऐसा हो गया। अल्लाह ताला ने एक टाइटल आप लोगों को दिया है, वो टाइटल पता है क्या है, वो है अशरफुल मखलूकात, कि आप इस दुनिया के अंदर और इस कायनात के अंदर सुप्रीम क्रिएचर हैं, और आपके पास एक जो चीज है जो कि दूसरों के पास नहीं है, वो है विल और दुआ। ये जो दो चीजें अगर मिल जाती है ना, तो अल्लाह ताला खुद आपको कहता है कि मैं तुम्हारी तकदीरें चेंज कर देता हूँ, मैं तुम्हें वो भी दे देता हूँ जो तुम चाहते हो, अगर तुम अपना आप को मुझे दे देते हो। तरीकेकार होना चाहिए, विदाउट वे आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब उस वे का मसला क्या आता है, ज्यादातर जो स्टूडेंट्स स्टडी से रिलेटेड परेशान है, मैं उनके ऊपर बात करूं, हैफजर्ड और विदाउट एनी डायरेक्शन स्टडी। अब वो डायरेक्शन है क्या, देखिए मैं हर वीडियो में यही बात कह रहा होता हूं आप लोगों से कि एक तो जुनून, दूसरा ये कि एक प्लानिंग हो आपके पास, एक प्लानिंग ऐसे कि भाई ये काम करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो, वो शॉर्ट टर्म ना हो। उसके अंदर ग्लिच्स आएंगे, उसके अंदर इमोशंस इन्वॉल्व होंगे, उसके अंदर ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी आप लोगों के लिए कि आप लोगों की चीखें निकल जाएंगी। आप लोग बोलेंगे यार ये तो मेरे से अल्लाह ताला मुझे कहाँ फंसा दिया आपने। ऐसी ऐसी सिचुएशंस आएंगी, आपको इमोशनल ब्रेकडाउन होगा, आपका फिजिकल ब्रेकडाउन हो सकता है, आपके ऊपर कोई बीमारी आ सकती है, आपके ऊपर कोई इमोशनल कंडीशन ऐसी आ सकती है, आपको सोशल प्रेशर कुछ ऐसा आ सकता है, सब चीजें आएंगी, क्योंकि वही तो एक टेस्ट है जो कि आपको और दूसरों के अंदर चेंज करेगा। एक मेरी बात याद रखना, जिस दिन आपने दूसरों से हट के, जैसे दूसरे चल रहे हैं उनसे हट के चलना स्टार्ट कर दिया, जो दूसरे कर रहे हैं उनसे हट के सोचना स्टार्ट कर दिया, जिस तरीके से दूसरे कोई काम कर रहे हैं उस तरीके से वो काम करना छोड़ दिया, आप ब्रांड बन जाते हो। और ब्रांड बनना एक प्रोसेस है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, ये एक ओवरनाइट की जो एक आपने एक इलस्ट्रेशन बांधी हुई अपने दिमाग में कि जी ओवरनाइट हो जाता है। आप YouTube चैनल उठा के देखो, मैं यहाँ आखिरी बात करूंगा YouTube चैनल से रिलेटेड, कि आप बनाओ कंटेंट, पर कंटेंट बनाने का एक साइकी क्या है आप लोगों की, बुरा ना मानिएगा, मैं ओपनली अगर आपसे बात करूं, चोरी का कंटेंट बनाना चाहते हैं कि इधर से देखा यार इसको कॉपी करके इधर डाल देता हूँ, इधर से कॉपी करके उधर डाल देता हूँ, यहां से ये कॉपी करके ये कर देता हूँ, अगर मेरा चाचू का बेटा ये काम कर रहा था तो वही काम मैं कर रहा हूँ। यार आपके अंदर भी तो अल्लाह ताला ने एक पोटेंशियल दिया। और दूसरी जो बड़ी खतरनाक चीज है आप लोगों के अंदर, यार कल कर लेंगे, यार मैं करूंगा, वो भाई लाइफ है मैक्सिमम 40 साल की, 45 साल की, 45 साल बाद अगर आपके पास कोई अच्छी गाड़ी भी आ गई, शीशा नीचे करोगे तो ठंड लगने लग जाएगी, शीशा ऊपर कर लोगे, बुढ़े हो जाओगे, क्या करोगे उस पैसे का? अगर थ्रिल नहीं है आपकी जिंदगी में, एक मुसलमान की जिंदगी में थ्रिल होता है, कुछ ना रोजाना जद्दोजहद,
आगे बढ़ने की, अपने मुसलमान भाइयों को आगे बढ़ाने की, कुछ नया करने की मिसिंग। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूं, मुझे आज तक कोई ऐसा पागल बंदे नहीं दिखे, मैक्सिमम 4 से 5 पूरे पाकिस्तान में जब मेरा इस सोशल सर्कल है। और उनकी थिंकिंग क्या, सिर्फ मैं अगर मैं सीएसएस करूंगा तो मुझे टाइटल चाहिए, वो वहीं पे रह जाते हैं। सीएसएस करने के बाद भी वो ऐसे कोई क्या कर लिया उन्होंने, कौन से पहाड़ खोद लिए, कुछ भी नहीं किया। एक विजन नहीं है, और दूसरों को सेटिस्फाई करने की इल्म, अल्लाह को सेटिस्फाई करने का कोई ज्यादातर कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर हम दीनी मदारिस में देखें, बहुत सारी बातें जो मैं आप लोगों से खुल के करना चाहता हूं मैं करूंगा अब, कि हमारे दीनी मदारिस में देखें, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं उनको, पर एक सजेशन दे रहा हूं, क्या उधर पे टेक्नोलॉजिकल लैब है, नहीं है। क्या वहां पर कंप्यूटर लैब्स हैं, नहीं है। क्यों नहीं है भाई, क्या मेरा दीन और ये जो चीजें हैं वो अलग अलग थी, नहीं। अजीबो गरीब मुआशरा बना दिया, और इसको सही कौन करेगा यार, जो है हुक्मरान है वो करेंगे। क्यों भाई, आप क्यों नहीं कर सकते। मैं गाड़ी चला रहा होता हूँ, सामने से वो फुल बीम करके चला रहा होता है, सारी आंखों पर लग रही होती है, वो गवर्नमेंट आके ठीक करवाएगी, वो आप करोगे ना, वो आपके अंदर एथिक्स होने चाहिए। एक दूसरे को तकलीफ देना चाहते हैं बस, हम एक दूसरे की सपोर्ट में नहीं करते। मुझे याद है, मैं आई एम सॉरी, मैं वीडियो लंबी हो रही है पर बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बड़ी दिल से कर रहा हूं आप लोगों से बातें। मैंने एक वीडियो बनाई इंडिया पाकिस्तान के कंपैरिजन में, बहुत गालियां दी इंडिया वालों ने मुझे, पर कुछ लोगों ने अप्रिशिएट भी किया इंडियंस ने, पर पाकिस्तानियों ने नहीं किया। पाकिस्तानी ये सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में देखें, मेरे ऊपर तो मुझे ये ज्यादातर मेरे ऊपर एलिगेशन नहीं लगता, पर ज्यादातर जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, मैं ऑल ओवर सिंध की बात कर रहा हूं, उनकी फेवर में बात कर रहा हूं भाई, वो पढ़ा रहा है ना, वो पैसे कमा रहा है तो वो पढ़ा रहा है, वो मेहनत कर रहा है, आप भी कर लो। नहीं, तू पैसे कमा रहा है, ओ भाई क्या मतलब है, जिस चीज में आप पैसा डालते हो वो चीज फ्लोरिश करती है, आपने एजुकेशन से पैसा ही निकाल लिया, हकीकत बात यही है। और जो ट्रिकी और अजीब और गरीब कुछ पैरासाइट्स हमारे पास टीचर्स आ गए, उन लोगों ने इस एजुकेशन सिस्टम का खून चूस लिया, उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ये बताया कि जी मेरी चीजें ले लो, ओ भाई तुम कर सकते हो यार, यूट्यूब भरी पड़ी है, अंग्रेजों से सीखो चीजें, आगे बढ़ो, कुछ करो नया, करो क्रिएटिव, कुछ जुनून लेके आओ, पागल हो जाओ। मैं जब भी अकेला सोचता हूँ, मैं ज्यादातर अकेला ड्राइव कर रहा होता हूँ, मैं ज्यादातर अकेला रहता हूँ, क्यों रहता हूँ, ताकि मुझे थॉट्स आए, मुझे पता पड़े यार मैंने ये करना है, अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। अपने आपको एंजाइटी के अंदर डाल रहा होता हूँ। डिप्रेशन क्या होता है आप लोगों को शायद पता ही ना हो, पर मैं आज आप लोगों से खुल के बात कर रहा हूँ, वो अगर आप लोगों को पता पड़ेगा तो आप लोगों के अंदर जुस्तजू आएगी। अकेले रहना सीखो, अकेला चलना सीखो, कोई साथ नहीं देगा यार। अगर वो ऐसा कर लेता, मेरा चाचा अगर, मेरा भाई अगर मुझे सपोर्ट करता, कोई सपोर्ट नहीं करता, तुमने खुद करना है, खुद कर सकते हो, जीरो से स्टार्ट करके ऊपर तक जा सकते हो, और ऊपर अकेले नहीं जाना, एक नियत रखनी है। आई होप चीजें आप लोगों को समझ में आई होंगी, अपना बहुत ख्याल रखें। ईद के लिए आई थिंक मैंने इतना खुल के बात की, वैसे मैं ज्यादातर अवॉइड कर रहा हूं, आप लोगों को पसंद आई होगी, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।